गुड मॉर्निंग बच्चों, शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखिए, आज अपन पढ़ते हैं क्लास सिक्स की मैथ एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक में आपको एक डब्बा दे रखा है, उसको सही संख्या से प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, ए 2/7 बराबर है 8/ ये डब्बा दे रखा आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बी नंबर दे रखा है 5/8 बराबर 10/ ये डब्बा आपको दे रखा है। सी नंबर में आपको दे रखा है 3/5 बराबर, अब डब्बा देखिए ऊपर बना के दे दिया आपको, बटे में कितना हो जाएगा 20 दे रखा है। डी नंबर पैंतालीस बटा 60 बराबर 15/ ये डब्बा नीचे बना के दे दिया इस पर। ई नंबर दे दिया 18/24 बराबर, ये ऊपर डब्बा दे दिया और नीचे दे दिया 4, ये आपको दे रखा है। तो चलिए आज इसको हल करके देखते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा बराबर की उस तरफ, नीचे डब्बा दे रखा है, कोई संख्या आपको पता नहीं है। तो देखिए गणित के एक नियम है, कोई संख्या पता नहीं हो तो उसको एक्स मान लो, वाई मान लो, ए मान लो, बी मान लो, जो मानना है वो मान लो। अपन इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिया, यहां पर भी अपन एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं और यहां पर भी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं। याद है अपन ने पक्षांतरण पढ़ा था, पक्षांतरण में क्या होता है, गुणा वाला भाग में बदल जाता है, भाग वाला गुणा में बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में बदल जाता है और माइनस वाला प्लस में बदल जाता है, ये अपन ने बात करी हुई है पहले। तो चलिए पक्षांतरण करते हैं। देखिए ऊपर गुणा में है, नीचे ये भाग में, तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वज्र गुणा। 2 को 1 से गुणा करना है और 7 को ऊपर वाले से गुणा करना है। कब करना होता है, जब ये बराबर के इस तरफ और उस तरफ हो। चलिए इसको इससे गुणा करते हैं, मतलब 2 × x, बीच में बराबर का निशान है, 7 को किससे गुणा करनी है, 8 से 7 × 8। जब 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2x बनता है, कितना बनता है 2x। 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 × 8 = 56 होते हैं, कितने होते हैं 56 होते हैं। अब देखिए ये 2x गुणा में है, गुणा है तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, तो ये x का मान निकल जाएगा 56 बटे में, 2 गुणा में तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा नीचे, तो इसको अपन काटते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28 आंसर। तो ये x का मान कितना हो गया 28, ये आपका आंसर हो गया। सेम प्रोसेस इसके अंदर लगानी है, तो देखिए इसका भी वज्र गुणा करते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे 5 को 1 से और 8 को 10 से, 5 को 1 से गुणा करते हैं 5 × x बराबर 8 × 10, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहां पर बचेगा 5x, 8 को 10 से गुणा करेंगे 8 × 80, ठीक है। अब देखिए वही गुणा में है, भाग में बदल जाएगा, तो x बराबर 80 में, ये गुणा में है कहां आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा, इसको भाग देते हैं, देखिए 5 × 5, 8 में से 5 गए, बच गए 3, उतारा 0, 5 × 6 = 30, तो x का मान कितना हो गया 16, यानी कि यहां पर आ गया 16। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से इसको करेंगे, यहां पर भी क्या करेंगे
वज्र गुणा करने पर, तीन को 20 से गुणा करना है, 3 × 20 बराबर 5 को x से, 5 × x 3 × 6 60 हो गया बराबर 5 × x 5x हो गया। अब वही वाली कहानी है, x को अलग छोड़ दो, 5 गुणा में है भाग में आ जाएगा 60/5। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 12, तो यहां पर हो गया आपका आंसर 12। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पर कर रहे हैं, 45 को x से गुणा करेंगे, 45 × x बराबर 60 को 15 से गुणा करना है, 45 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45x, 15 × 6 90, 900 हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 900 में भाग में चले जाएगा 45, 45 × 45, 45 × 90, तो x का मान कितना हो गया 20, यहां पर 20 आपका आंसर हो गया। सेम प्रोसेस यहां पर करना है, 18 को किससे गुणा करेंगे, वेरी गुड, 4 से, तो 4 से गुणा करनी है, और 24 को किससे गुणा करनी है, शाबाश, 24 × x 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा, कितना आएगा 72 बराबर 24 को x से गुणा करते हैं तो 24x आता है। अब क्या करेंगे, x को चर वाली संख्या को अलग छोड़ देंगे, अचर वाली संख्या कौन सी होती है 24, 24 गुणा में है तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 72/24 बराबर में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब जरा 24 का पहाड़ा बोलेंगे, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टुकड़ों में भी काट सकते हो। ठीक है, तो चलिए 12 की टेबल से काट लेते हैं अपने, ठीक है, वैसे 3 बार जाएगा, 12 × 12 12 × 24 12 की टेबल में देखिए 72 कितनी बार आता है, कौन से नंबर पर आता है, 12 × 12 12 × 24 12 × 3 = 36 12 × 4 = 48 12 × 5 = 60 12 × 6 = 72 देखिए 6 बार गया। अब वो 6/2 है, देखिए कटते हैं, 2 के पहाड़े से 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 तो x का मान कितना हो गया x बराबर 3 आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। इसी के साथ अपनी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए, जिसका ए हर 20 है, बी अंश 9 है, हर 30 है, अंश 27 है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन अपने को हल करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए तुल्य का मतलब क्या होता है, तुल्य का मतलब होता है समान, क्या होता है समान। चलिए देखिए पहला पॉइंट करते हैं,
3/5। देखिए जो भी कोई भिन्न में संख्या होती है, जैसे 4/9 हो गया, ऊपर वाली संख्या जो होती है वो कहलाती है अंश। क्या कहलाती है? अंश। और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। क्या कहलाता है? हर। ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो देखिए तुल्य का मतलब 3/5 बराबर होना चाहिए, जिसका हर 20 है, मतलब हर 20 करना है तो ऊपर 3 होगा, अंश समान होगा। फिर अब इसको बराबर करने के लिए तो देखिए इसके बट्टे में 5 है और इसके बट्टे में 20 है, तो 20 के बराबर करना है 5 को, तो इसकी कौन सी गुणा करें जो 20 के बराबर आ जाए, जो 4 की आ जाएगी, ठीक है ना। तो अंश व हर दोनों में 4 की गुणा करनी है। तो देखिए क्या होगा, 3 चौक 12, 5 चौक 20 बराबर 3/20। तो देखिए हर बराबर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12/20। इसी प्रकार से अपन को बी करना है। बी में कह दिया 3/5, अब हर 9 है, सॉरी क्या है, अंश 9 है, 9 के बराबर करना है। तो चलिए 9 के बराबर करेंगे अंश में, तो मतलब 9/5 होगा, तो इसके बराबर करना है अपने को। कैसे करें, 3 में किसकी गुणा करें जो 9 के बराबर आ जाए, तो 3 की गुणा करते हैं, 3/3, तो 3 3 9/5 = 45, 9/45 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सी नंबर क्वेश्चन करते हैं, तो सी नंबर है 3/5 इंटू में किसकी गुणा करनी है जो 30 के बराबर आ जाए, हर में, हर में किसकी गुणा करें जो 30 के बराबर आ जाए। तो चलिए 5 6 30, तो 6/6 हर को बराबर करना है, तो 5 6 30 और 6 3 18। इसी प्रकार से डी नंबर देखते हैं, 3/5, अब किसकी गुणा करें जो अंश 27 आ जाए या 27 के बराबर हो, तो इसका अपन करते हैं 9/9, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 5 5 45, अपना आंसर हो जाएगा 27/45। तो इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कल अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।